तो अब तो यहाँ से रवानगी दो दिन बाद मान लो 10 और 11 को होगी, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इन एक साल में 2-4-10 दिन के लिए गए आए फिर ये, तो एक बड़ा एक घर वापसी का वो मूड कैसा होगा, क्या फील हो रहा है? आए आप, आपको दिखाएंगे, भंगड़ा भी खुवाएंगे, लड्डू भी खुवाएंगे आपको, खुशी का माहौल होगा। जीत कर जा रहे हैं भाई, जीत कर जा रहे हैं, इनकी उड़ीक कर रहे हैं पीछे सारे लोग, हमें पूछ रहे हैं अभी कौन से रास्ते से आएंगे। कल ही हरियाणा वाले साथी आए थे हांसी से, वो बोलते हैं अभी प्रधान जी हम आप चलने से पहले हमें फ़ोन करना। अभी तो ये हमारे आसपास के गाँव के साथी बोल रहे हैं भाई एक दिन का खाने का दावत हम देंगे आपको, आपके आदमी लेकर आना। इस चारों तरफ से दावतें आ रही हैं, रास्ते में रोकने वाले लंगर वाले आज 3-4 पार्टियां कर गई हैं, प्रधान जी एक बार 10 मिनट आ जाओ, 5 मिनट आ जाओ, आपका काफिला हमारे लंगर से जरूर कुछ ना कुछ खा कर जाए, ऐसे संदेश आ रहे हैं। और पंजाब वाले आ रहे हैं भाई आप कब पहुंच रहे हैं, हम ढूंढ मक्के से आपका स्वागत करेंगे। ये जीत कर आए हैं, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी जो शक्ति, दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति कहलाने वाला एक ईगो का भरा हुआ आदमी, मगरूर आदमी को गोडी लगा कर जा रहे हैं, जीत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, किसानों के आंदोलन का आज निर्णायक दिन है, फैसले का दिन है, इतिहास में दर्ज ये आंदोलन तो उसी दिन दर्ज होना शुरू हुआ था जब किसानों के जत्थे 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की तरफ आए थे और दिल्ली पर आ डटे थे। लेकिन आज इस आंदोलन के उस फैसले का दिन है जब ये ऐलान होगा कि किसानों की जीत हुई है। एक साल से ज़्यादा चले इस आंदोलन में किसानों के जो मुद्दे थे, किसानों की जो मांग थी, उस मांग के सामने सरकार को झुकना पड़ा। और वो सरकार जो किसानों को लगातार मुट्ठी भर कहती रही, चंद किसान कहती रही, उन मुट्ठी भर किसानों ने, उन चंद किसानों ने सरकार को झुकाया। किसानों ने जिस कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन किया, कृषि बिल वापस हुए और किसानों की जो बाकी मांगें थी उन मांगों पर भी सरकार की तरफ से 2 बार प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पर एतराज दर्ज हुआ और उसके बाद अब फाइनल स्थिति यह है कि आज किसानों ने फैसला किया है किस आंदोलन में उनकी जीत हुई है। और कुछ देर बाद जब मैं बात कर रहा हूँ जोगिंदर सिंह उग्राह से, कुछ देर बाद हो सकता है ये ऐलान हो, किसान यहाँ से वापसी अपने घरों की तरफ लौटेंगे, जो किसान एक साल से ज़्यादा वक्त से 378 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर ऐसे ही टेंटों कनातों में ट्रॉलियों में बैठे थे। हमारे साथ हैं जोगिंदर सिंह उग्राह, पंजाब के सबसे मजबूत किसान नेताओं में से एक, और इनकी ऐसी रैलियाँ हुई हैं किसान आंदोलन के दौरान बरनाला से लेकर टिकरी बॉर्डर पर, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं जो कई बार देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ऐसी रैलियों के लिए राजनीतिक दलों को पूरी ताकत पूरा जोर लगाना पड़ता है और कई बार आपको महसूस नहीं होगा कि किसान नेता अपने दम पर बार बार साल में ऐसी दर्जनों रैलियां भी कर सकते हैं। मैं हूं अभी टिकरी बॉर्डर पर और पीछे एक इन्होंने एक बार दिखाएं जरा, शहीदों को लाल सलाम, किसान मोर्चे के जो शहीद हुए उनके लिए स्मारक है। और ये आप सबको पता होगा कि इस लड़ाई में 700 से ज़्यादा किसानों ने जाने दिए अलग अलग बॉर्डर पर, अलग अलग मोर्चों पर। तो सबसे पहले जोगिंदर सिंह उग्राह, जीत की खुशी कितनी है? क्योंकि वो लड़ाई, जिस लड़ाई में पता नहीं आपको उम्मीद थी नहीं थी, कितनी लंबी चलेगी, कब जीतेंगे, लेकिन आखिरकार जीत का वो दिन आ गया। देखिए अंजुम जी, हम कभी भी जब चलते हैं किसी लड़ाई में कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं, हमें मालूम था कि हम जीतेंगे। जीत का अंदाज़ा कैसे हुआ भी हमें जीतेंगे? हम जब भी लेकर आते हैं लोगों को कभी गलत बलेखे में नहीं रखते, उनको हर बात बता के लेकर आते हैं। जब वापस जाते हैं उस टाइम भी उनके मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं रहता कि ये बात हमें नहीं बताई, सारी बात बताते हैं। इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस है जो एक दूसरे के साथ बना हुआ है, और उस कॉन्फिडेंस से हम बोल देते हैं भाई हम हर हालत में जीत के जाएंगे। कभी आप हमारे चेहरे पर नाराजता नहीं देखी होगी, आप बहुत दिनों से आ रहे हैं इधर, कितना लंबा आंदोलन हो गया, 26 नवंबर में भी हमारी भेंट हुई, कभी आपने हमारे कैडर के ऊपर और हमारे चेहरे के ऊपर कहीं नाराजता नहीं होगी। नाराजता हो भी कैसे, हमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमारा सफ़र है। हम हुकूमत की कमजोरी को जानते हैं, कमजोरी कहाँ पर है, हाकम घमंडी है, हाकम फिरकू फांसीवादी है, हाकम बहुत अहंकारी है, इसको गिराना कैसे है उसका तरीका तो देखना पड़ेगा। उसके तरीके से नहीं लड़ा जाएगा जैसे वो मांगता है, हमने अपना तरीका अपनाया
और उस लाइन पर चले, उस दिशा में चले, सारी दिशा को ध्यान में रख के चले और उसको गिरा कर जित कर दिया दुनिया के चराहे में। उसकी हार हुई और हमारी जीत। ये बताइए जोगिंदर सिंह उग्रां साहब, चूंकि मुझे लगता है पांचवी या छठी बार आपसे मैं बात कर रहा हूँ पूरे आंदोलन के दौरान, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर तो कम से कम मैं 25 बार से ज़्यादा आया, कि लगातार इतने दिनों तक किसानों की इतनी मौजूदगी, तंबू कना टेंट में बैठे रहना और आपकी सभाओं में ख़ास तौर से महिलाओं की ज़बरदस्त मैंने मौजूदगी देखी, अभी 26 नवंबर को भी देखा, तो ये जो एकजुटता है, ये एक साल से ज़्यादा वक्त तक यूँ सड़क पर जिसमें कई मौसम गुजरे जा रहा, गर्मी बरसात और बारिश, ये एक चूटता कैसे कायम रही, आज लोग वो भी समझना चाहेंगे। मैं पहले जिक्र किया अंजम जी, ये हमारे पर विश्वास है, हमने बहुत बार बोला है कि जो बात हमने बोली है इनको, वो बात जब इनके सामने आती है लोगों के, हमने बोल दिया भाई ये काम हम करेंगे, तो सुनने वाले को ऐसा लगता है भी बड़ी बात कह दी है, कैसे हो जाएगा। जब हमारे लोगों के सामने रख देते हैं ना हम भाई ये तो होगी, फिर लोग हैरान होते हैं भी हाँ, उस बात से हमारा कॉन्फिडेंस बना हुआ है। चूंकि अब ये आंदोलन यहाँ से जीत कर आंदोलन में शामिल हजारों किसान वापस लौटेंगे, आप भी लौटेंगे, एक साल से ज़्यादा वक्त से आप इस मोर्चे और बॉर्डर पर हैं, तो जीत का जश्न कैसे मना कर लौटेंगे यहाँ से? ढोल ढमाके से जाएंगे भाई, भंगड़े पाते जाएंगे, ये लोग ऐसे नाचते जाएंगे, पूरा हरियाणा नाचेगा, पूरा पंजाब नाचेगा, राजस्थान नाचेगा, जितनी स्टेटों के अंदर से आंदोलन जाएगा खूब नाचेंगे, जीत को क्यों ना जश्न में बदलेंगे, जश्न मनाएंगे। दुश्मन को दिखाना है कि तू बहुत बड़ा हंकारी बोलता था कि मोदी है तो मुमकिन है, नहीं भाई मोदी मुमकिन नहीं होता, लोग मुमकिन होते हैं, जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर सब कुछ है, जिसके साथ लोग नहीं उसकी कोई पावर नहीं, कोई ताकत नहीं, उसको जो बनाते हैं वो उठा भी देते हैं, उठा भी देते हैं, ये बता दिया सरकार। जो ये बताओ कि आप एक साल में बहुत तरह का प्रोपेगेंडा चला किसानों के खिलाफ, आंदोलन के खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ, किसान नेताओं के खिलाफ, आप भी टारगेट पर रहे, जब पिछले साल अगर मुझे तारीख याद है 10 दिसंबर को इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट डे था, मानवाधिकार दिवस, उसमें बहुत सारे पोस्टर यहाँ लगे थे जो जेलों में बंद हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता एक्टिविस्ट और उसमें जर्नलिस्ट और सब, सुधा भारद्वाज से लेकर और अलग अलग लोग, उसमें आप पर भी टारगेट किया गया, वो तमाम दौर को कैसे देख के और उसके बाद उस हौसले को कायम रख के आज यहाँ जीत के मुहाने तक आए? देखिए साथी, जो लोग मौका देखकर अपनी पोजीशन बदल जाते हैं उनको मौका प्रस्त बोला जाता है, लेकिन हमने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा, अपनी लाइन नहीं छोड़ी, ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर हमने बुद्धिजीवियों की रिहाई की बात की, बोला भी आप गलत कर रहे हो, ये आवाज़ बुलंद करने का हमें जमहूरी अधिकार है, वो हमने किया, लेकिन हमें बहुत सारे साथी जो हमारे साथ वाले हैं, चलो गोदी मीडिया को तो बोल रहे हैं भाई गोदी मीडिया तो हमारी नुक्ताचीनी करे, सरकार के पास बोले भी ये भी आतंकवादियों को छुड़ाने वाले लोग हैं, आतंकवादी सुधा भारद्वाज आतंकवादी है, उसकी जमानत भी शायद होने वाली होगी या होगी, इसलिए हमने वो जो बात है जब की है ना हमने, तो उस टाइम हमें सामना करना पड़ा, गोदी मीडिया वाले हमारे, गोदी मीडिया तो करे वो तो पहले से भी कर रहा था, लेकिन जो हमारे साथी थे संगी थे, हम जब संगी बोलते हैं अभी, क्या पंगा ले लिया यार, किस लिए पंगा ले लिया, जिससे चल सकता था ना करते तो अच्छा था, ऐसी बातें बोलने लगे, लेकिन दिसंबर आ गया, हमने जो बात की दुनिया में दिखा दिया कि उसके बुद्धिजीवियों के खिलाफ अब उनके पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले लोग आज भी खड़े हुए हैं, और टिकरी बॉर्डर में ये दिवस मनाया और 10 दिसंबर अभी आया है, भी मनाते जाएंगे ये एक अहम बात है, क्योंकि जब यहाँ पोस्टर लगे थे ऐसे बुद्धिजीवियों के या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के जो जेल में अलग अलग मामलों में बंद हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिली, तो यहाँ जब वो पोस्टर लोगों के हाथ में थे तो मीडिया के निशाने पर तो आए, प्रधानमंत्री ने भी संसद में बोला कि ये वो लोग हैं जो अर्बन नक्सल और नक्सलियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। खैर अब वहाँ से वापस लौटते हैं, वैसे जब भी मैं यहाँ आया तो कभी मुझे हताशा किसानों में नहीं दिखी, मैं हज़ारों किसानों से मैंने एक साल में बात की, सब यही बोलता था लड़ेंगे, बैठे रहेंगे, 22 तक बैठेंगे, 23 तक बैठेंगे, 24 तक बैठेंगे। आप थोड़ा बताइए
कभी ऐसा लगा कि इतना माहौल है कि बीच में दो चार महीने छः महीने ठंडा सा भी है, थोड़ी किसानों की भीड़ भी कमी, गर्मी भी है, दबाव भी है, कोई उम्मीद भी नहीं है, सरकार से बातचीत 22 जनवरी के बाद बिल्कुल बंद, एकदम सरकार ने हर जगह कह दिया कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, कहीं एक नेता के तौर पर लगा कि इसको कैसे कितना दिन कैसे टिकाए रखेंगे? देखिए अंजुम जी, हमें पूरा भरोसा था कि हम जो इतना ही आंदोलन बढ़ रहा है, हमने बोला भाई आपने मकान की नींव तो रख दी, इसके ऊपर जितनी ईंटें लगा रहे हैं उतना बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, जितने दिन ऐड हो रहे हैं उतना बड़ा हो रहा है, हर रोज़ आपका दिन इतिहास के अंदर ऐड होता है, हर रोज़ हुकूमत की रोटी जो खा रहे हैं ना, वो खाना उनकी गर्दन के अंदर फंस रही है। एक याद रखें भी, आपका आंदोलन जितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा बीजेपी का ग्राफ उतना ज़्यादा डाउन होता गया, ऐसे ही हुआ है। मेघालय का गवर्नर सरेआम बोलने लग गया इनके खिलाफ, वरुण गांधी और मेनका गांधी का सरेआम इनके साथ विरोध हुआ, और गडकरी ने भी इनके खिलाफ बोला, इनके अंदर फूट टूट भी हुई, इस हालत ऐसी बन गया भी एक जिमनी चोन आया तो जिमनी चोन के अंदर भी इनकी हार होगी, और ये लोग जो अंदाज़ा ने उधर जायजा बनाया कि यूपी में हमारी हालत कैसे होगी, उसमें भी इनकी हार देखी। जब इनकी कुर्सी को खतरा होया, हमारी याद से भी ज़्यादा पुट्ठे मुँह दे मुँह डिगे और जीत होगी भाई। हमारे में नाराज था इसलिए नहीं थी कि हमें इनकी कमजोरी का पता था, और उनकी कमजोरी तक जाने के लिए हम तैयार थे, हमने 2024 तक जाने का फैसला किया हुआ था, हमें पता हमारे पास इस लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं, पीछे मुड़ नहीं सकते, पीछे मुड़ते हैं लोग हैं, आगे जाते हैं सरकार है, इसके बीच बचाड़े में जब लोग हमें सहारा देते हैं, पीछे बड़े लोग आपका काम भी ख़राब नहीं होने देंगे, आपको जो चीज़ चाहिए वो आप करो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट बहुत तगड़ा पीछे था। वो सपोर्ट ऐसे जब हम दिल्ली से पंजाब में जाते थे ना, हमें दिल्ली वाले बोलकर लोग हाथों में उठाते थे, वो जो सुकून मिलता था हमें वो हमारी खुराक थी। इसके साथ इसलिए मोर्चे में नाराजता नहीं आती। दूसरी बात, इधर हम बहुत फ्रैंक दिली के साथ बोलते थे स्टेज से, भाई जिसके पास काम है, जिसका काम खराब होता है, जिसका कोई बीमार है, जिसके परिवार में कोई दिक्कत है, वो बताओ चले जाओ, खुशी से जाओ, जितने दिन लगा सकते हो लगाओ। इसलिए उस बात ने क्या किया, लोगों के अंदर हौसला दिया और हमारा एक दूसरे साथ प्रेम बढ़ता गया और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इस बात ने अभी तो आप इसमें ज़्यादा बड़ा रोल आपका भी रहा है, आप लोगों ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है भाई। नेशनल जो सोशल मीडिया था ना, उसने नेशनल मीडिया की गोडी लगा कर रखी है, आप लोग सारे हमारे साथ रहे हैं, नेशनल मीडिया में बहुत सारे साथी हमारे साथ रहे हैं, इसलिए जो गोदी मीडिया बोलते थे हम, गोदी मीडिया ने जो रोल किया है उसको पछतावा है इस बात का। कल मेरी एक चैनल से बात हो रही, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसको महसूस हो रहा था कि हमने जो किया गलत किया है, इसलिए इसमें जो जिस लोगों ने भी, जिन लोगों ने भी गलत किया है, हमने तो उनको भी बोला भाई आप थैंक्स, आपने जैसा किया वो आपका रिव्यू करो, और हमारी बात ठीक थी, हमारी दिशा ठीक थी, हम आंदोलन जीत गए हैं, हम आपको भी बधाई देते हैं। चलिए शुक्रिया, मैं तो एक पत्रकार के तौर पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। जोगिंदर सिंह उग्राहा का परिचय ये भी है कि ये फौज में भी रहे कम अरसे के लिए, लेकिन फौज 5 साल रहे शायद, आप तो ये शायद एकदम काम फौज में भी रहे, लेकिन उसके बाद दशकों से किसान आंदोलन के लिए सक्रिय हैं, और पंजाब में किसानों की मांगों को लेकर लगातार जिले जिले में वक्त बेवक्त प्रदर्शन करते रहे, और यहाँ भी जहाँ हम टिकरी बॉर्डर पर हैं, जोगिंदर सिंह उग्राहा का अलग स्टेज है, मुख्य स्टेज यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर आगे है, इनका स्टेज अलग है पकौड़ा चौक पर, और कई बार मैं बीते एक साल में इसी स्टेज सर से लौट के गया, क्योंकि उस स्टेज के समानांतर एक स्टेज होना और उस स्टेज पर संयुक्त मोर्चे के कई संगठन, और यहाँ जोगिंदर सिंह उग्राहा अपने दम पर इस संगठन के स्टेज को चलाते हुए एक गांव बसाकर, और बीच बीच में एक ऐसा वक्त भी आया, कई ऐसा वक्त आया जब कॉल दिया इन्होंने और हज़ारों की तादाद में महिलाएँ और किसान आए। अब ये जो स्टेज आपने अलग बनाया, आप इस आंदोलन की एक अलग धुरी हो, ऐसा भी लगा कि आप संयुक्त मोर्चे से अलग भी हो, आपकी अलग भी शख्सियत है, लेकिन संयुक्त मोर्चे के फैसले के साथ भी हो, ये अलग स्टेज बनाने की नौबत क्यों आई? देखिए साथी, ये अलग अलग जथेबंदी थी, हमारी पॉलिसी थी, अलग अलग पॉलिसी थी, कई जो संयुक्त मोर्चा के अंदर भी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ दाखिल था, उनके अंदर उनके असूलों के ऊपर हमारे कुछ ना कुछ मतभेद थे कि कैसे इस मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर इकट्ठा चला जाए। जो 32 जथेबंदियों के साथ थे, संयुक्त मोर्चे के साथ तो हमने ये सहमति कर ली दिल्ली वाला मोर्चा में
कि हमारी स्टेज नहीं सांझी होगी किसी के साथ भी। हमारी स्टेज का डिसिप्लिन है जो लग गया, हमें दिक्कत आती है, स्टेज हम सांझी नहीं रखेंगे, प्रोग्राम हर एक प्रोग्राम आपके साथ करेंगे। दिल्ली वाला मोर्चा में हम इस तीन कानूनों की वापसी के लिए दिल्ली वाला मोर्चा में आप जो मर्जी प्रोग्राम दें हम आपके साथ हैं। आपकी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में भी आएंगे, आपके प्रोग्राम भी लागू करेंगे, हमारी अपनी पोजीशन रखेंगे, अपने प्रोग्राम भी हम करेंगे, आपके प्रोग्राम को भी मिस नहीं करेंगे। इसलिए हमने विश्वास दिलाया था कभी भी देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि हम आपसे अलग गए। बस सर हमारी एक कंडीशन है कि हमारी स्टेज अलग रहेगी। इसका एक कारण था कि हम अपनी स्टेज का डिसिप्लिन भंग होने नहीं देंगे। यहाँ पर ना कोई धार्मिक आगू बोलेगा, ना कोई फिरका प्रस्ती की बात करेगा, ना कोई पॉलिटिकल आगू बोलेगा, ना कोई लच्चर गीत वाला बोलेगा, ना कोई हमारी स्टेज के ऊपर जाकर रश करेगा। हम अपने मर्जी से स्टेज चलाएंगे, हमारा एक डिसिप्लिन है वो हमने मेंटेन किया है, इसलिए हमने किसी के साथ स्टेज साझी नहीं की और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आई। दूसरी बात, फंडिंग का होता है, फंड आते हैं बाहर से, हमारा हिसाब किताब अंजम जी आप देखें भी हर महीना में हम हिसाब करते हैं, हर महीना में हम हिसाब करते हैं और सारी की सारी कापी सारी जिलों में बांट दी जाती हैं, वो कापी हमने बांटी है। और हर रोज़ एक साल से आज तो 13 महीने के नज़दीक जाने वाला समय, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग नहीं होती, हर रोज़ स्टेट बॉडी की मीटिंग होती है। इसलिए हमारा जब वो होता दिक्कत आती थी, वो दिक्कत के लिए हमने अलग स्टेज लगाई हुई है, वो दिक्कतें हम साथियों को बता दी और साथियों ने इस गलत महसूस किया है कि आपने बहुत कोऑपरेट किया है हमें, इसलिए हमें उसके बाद में संयुक्त मोर्चा में शामिल कर लिया, उसके बाद में हमें 9 मेंबरी में भी ले लिया, अभी 5 मेंबरी में भी ले रहे थे, इसमें हमने इनकार कर दिया भाई इसमें नहीं जाना। नहीं, ये एक खास बात है कि आप संयुक्त मोर्चे के साथ हैं, संयुक्त मोर्चे से अलग हैं, एक बड़ा स्टेज है, किसानों का की बहुत बड़ी जमात है और जो इन्होंने कहा उसूल की बात, चूँकि आंदोलन समापन हो रहा है, जीत के जश्न के साथ किसान यहाँ से लौटने की तैयारी करेंगे, हो सकता है 10 और 11 तारीख को किसान यहाँ से लौटेंगे, इसलिए किसान नेताओं के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। आपने उसूल की बात की और कुछ डिसिप्लिन की बात की, मैंने बहुत पहले, मुझे लगता है 10 महीने पहले भी 11 महीने पहले आपसे बात की थी, तब भी आपने कुछ उसूल की बात की थी। आपने ये भी कहा था कि उस समय बहुत डीजे, भांगड़ा, ट्रैक्टर पर बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम, डांस, ये सब चलते थे अलग अलग स्टेज पर, चाहे टिकरी के मुख्य स्टेज के पास या सिंगु पर, आपने वो सब भी शायद कहा, आपने लोगों को ज़्यादा नाच गाना और ये सब कम होना चाहिए, ऐसा भी कुछ डिसिप्लिन बनाया। जी जी, क्यों ऐसा सोचा कि अलग वो सबसे होना चाहिए? हम जहाँ कोई रिक्रिएशन करने के लिए नहीं आए, हम जहाँ संघर्ष के मैदान में आए हुए हैं, जहाँ खुशी मनाने का जब समय आएगा तो बोलेंगे आपको खुशी मनाओ, अभी जीत है, कल को जश्न मना लें जितना मर्जी मना लें, हम नहीं किसी को बोलेंगे। जश्न के लिए बहुत सामान होते हैं, बहुत भंगड़े पाए, जो मर्जी करें, कुछ भी करें, जश्न मनाने का दिन है, लेकिन हम आए हैं संघर्ष के लिए, लड़ने के, लड़ाई के मैदान में आए हैं। लड़ाई के मैदान में अगर शाम लोग शाम को ढोल ढमक्के भंगड़े डाल रहे हैं, उसका नक्शा अच्छा नहीं जाता। एक सीरियस मनुख की तरह, एक सीरियस शख्सियत की तरह रहना चाहिए ताकि दुश्मन को पता लगे। ऐसा नहीं भी हम रोते फिर रहे हैं, रोना भी नहीं है, हंसना भी जरूरत से ज़्यादा नहीं, हंसना भी जरूर है, मजाक करो, खुले मन से फिरो, आज़ाद देखो, नाराजता नहीं चेहरे पर आने की, लेकिन आप डीजे बजाकर भंगड़ा डालें, इधर हमारे औरतें हैं, बहनें हैं, उनको दूसरे लोगों को ना लगे कि जाए भाई ये आंदोलन नहीं लड़ रहे, ये तो शोगल करने के लिए आए हुए हैं, जो जो उस समय चैनलों पर जाने लगा चला वो। हमने इसलिए बहुत सारे लोगों को हमारा ये दिक्कत भी आई उस समय, हमने फिर फैसला किया कि भाई दो गाड़ी रात को हर रोज पेट्रोल पर चलती रही, हर एक चौक के ऊपर पहरेदारी होती रही, रात को पता करो भी किस लोग ने डीजे बजाए, कौन भंगड़ा डाल रहा था, किसने शराब पिया। हम लोग हर रोज अंजन जी रिपोर्ट लेते रहे हैं कि रात को किस किस ब्लॉक के, किस किस जिले के कितने लोगों ने दारू पिया, ये रिपोर्ट कोई नहीं लेता। हम जहाँ ये थे, साइकिल कितने हैं, मोटरसाइकिल कितने हैं, गाड़ी कितने हैं, पानी की टंकी कितने हैं, जनरेटर कितने हैं, गाड़ी जो छोटी गाड़ी कितने हैं, मोटरसाइकिल आपके पास कितने हैं, फिर आदमी कितने हैं, औरतें कितने हैं, मजदूर कितने हैं, रिपोर्ट लेते हैं, तो साथ में ये भी रिपोर्ट लेते हैं भी दारू वाले कितने थे भाई। ये बहुत खास बात है इस जत्थेबंदी की और उग्रह सांप की संगठन की, और संगठन से जुड़े जो लोग किसान हैं, कार्यकर्ता हैं या जो भी आंदोलनकारी हैं,
ये समझना जरूरी है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जब आंदोलन का समापन हो रहा है, जीत के साथ किसानों की यहाँ से रवानगी हो रही है, तो किसान आंदोलन के हर पहलू, हर किरदार को आपको समझना जरूरी है। एक बात और, आपका ही संगठन है जिसमें सबसे अधिक महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी होती है, और वक्त बेवक्त आपने, चाहे 8 मार्च हो, महिला दिवस हो, चाहे अभी 26 नवंबर हो, एक साल जब हुआ तब, बीच में भी हजारों की तादाद में महिलाएं ऐसे इसी बसंती कपड़ों के साथ, तो महिलाओं की इतनी नुमाइंदगी की वजह शायद डिसिप्लिन है, जो आपने कुछ प्रोटोकॉल बनाया, शराब नहीं पियेंगे, क्या शिष्टाचार होगा, वो भी थोड़ा बताइए, लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो, मेरा पहले शॉर्टकट में मैं आपको जवाब देता हूँ। हमारे लिए एक सवाल था, किसी ने हमारे सवाल किया भी, यार हमारे महिलाएं क्यों नहीं कट में आती, तो किसी ने जवाब दिया भी सरसे के, सरसे वाला बाबा है ना, उसके कट में बहुत महिलाएं जाती हैं। तो उसमें सवाल उठा भी सरसे वाले में क्या खासियत है भाई, उसके कट में औरतें क्यों जाती हैं। तो उसका जवाब ये मिला भाई, वो नशा रोकते हैं। इसका मतलब नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारी महिलाओं को घरों के बाहर नहीं निकलने देता। हमने सबसे पहले कंट्रोल किया, मैं बहुत शराब पीता था, ड्रमक ड्रम। अच्छा? हाँ, खूब पीता था मैं, लेकिन सबसे पहले शराब मैंने छोड़ दी। हमारी सारी सुबह कमेटी थी, जो सुबह कमेटी ने फैसला किया, अभी जितने आगू हैं सब शराब छोड़ो, नशा छोड़ो। हमने सब जितने इस टाइम स्टेट में हैं, सारे के सारे आगू कोई नशा नहीं करते। ये नशा छोड़ने की बात जब आई तो हमने प्रचार शुरू कर दिया। अभी किसी भी आंदोलन में अगर आपकी गाड़ी जाती है, तो कोई भी गाड़ी वाला कहीं ठेके पर शराब पीता पकड़ा गया तो ठीक नहीं होगा। शराब के ऊपर पाबंदी लगा दी भी, आगू जितने हैं ब्लॉक के, पिंडों के, वो शराब पीना बंद करो भाई। अगर कोई नहीं, बगैर पिए सार नहीं सकता, तो गुप्त में पी लो, थोड़ा पी लो, लेकिन इसको कम करो। ये प्रचार हमारा गाँव में, औरतों में आम चूल्हे चूल्हे पर चला गया। इस बात ने हमारे साथ औरतों को जोड़ा, औरतों को हमने जगा दिया, औरतों के बलारे बोलने लगे। आप यहाँ पर देखें, मंगलवार को इधर स्टेज चलती है, औरती संचालन, औरती स्टेज कत्र, औरती बोलने बुलारे होते हैं, औरती गीतकार होंगे, औरती सारा दिन स्टेज चलते, कोई मर्द नहीं बोलेगा उस दिन, औरती बोलती है, एक दिन हमारा रखा हुआ है। इसलिए औरतों में ये बात चली गई। पहले हम जब जाते थे किसी घर में, जाकर हमें कोई भी बोलता था कि भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप जैसा हमारे वाले को भी कर लो। उस टाइम हमें तो अच्छा, वो इसलिए बोल रहे थे, उसने हमें देखा नहीं, हमें अंदर से डर लगता था भी, अच्छा कहाँ है, हम तो आप इतनी पीते हैं इसके जैसी, इसलिए वो डर ले, हमने वो नकली बात जो थी उनकी, वो हमने सोचा भाई जी इनकी बात, इनका प्रभाव, अभी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग तो फिर बनेंगे अगर हम इसको सचमुच में हम जैसा देखते हैं ऐसे हम बनकर आए। उसके बाद में हमने फैसला किया, फिर भाई हम बन गए, फिर हम बोलने लगे, रे तू दारू क्यों पीता है भाई, इसको छोड़ना पड़ेगा। आस्ते आस्ते प्यार से समझाया भी, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपने आप छोड़ कर देखो, ये आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा, अपने समाज के कितना अच्छा होगा। वो प्रचार ज़ोर से चला, इसने हमारी जथेबंदी में इसमें बढ़ावा दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम शिक्षा मीटिंगा करते रहे औरतों की, औरतों को बोलते रहे हैं भाई आप आंदोलन में आने का महत्व क्या होता है, आपके आने से फर्क क्या पड़ जाएगा, आपकी क्या समस्या क्या है, जो आप बाबे से पूछती हैं जाकर कि हमारे घर में भाई इतना पैसा आता है पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो हम बताएंगे भी कहाँ चला जाता है, बाबे के पास नहीं हल है इसका। इसलिए हमारे ऊपर उनका भरोसा बजा है, वो आंदोलन में आई हैं, और आंदोलन में अभी देखिए जितनी हमें ऐसा है, अभी हमारे साथी बैठ खड़े हुए हैं, जब हम बोलते हैं भाई औरतों को लेकर आना है, ये उनके व्हीकल पूरे नहीं कर सकते। नहीं, दिल्ली में हम एक हमारी इच्छा थी भी, हम कभी मार्च तक हमारा आंदोलन चला गया ना, 2021 अभी जो आ रहा है इसका क्या 2022 मार्च में हम 1.5-2 लाख का कट दिल्ली में करेंगे। वो तो शुक्र है कि पहले हमारा आंदोलन निबड़ गया, नहीं तो हमारी तैयारी तो बहुत आगे की थी। 2022 मार्च में हमने इधर 2 लाख का कट करने की, 1.5 लाख का 2 लाख का कट करने की हमारी प्लान थी। ऐसा अगर हम चाहें ना कहीं भी करना, 1.5 लाख का कट औरतों का हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में
इंडिया की पहली जत्थेबंदी होगी जो इतना कट कर ये सही कह रहे हैं जोगिंदर सिंह उग्राह साहब। और इंडिया की पहली जत्थेबंदी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी अगर वो सोचे कि 25-50 हज़ार महिलाओं को जुटाना है तो बहुत मुश्किल है। और 1-2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने के लिए आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की रैलियां अभी यूपी में हो रही है, कहा जा रहा है सरकारी बसें जिले से 50-50, 100-100, 200-200 बसें एक एक डिपो से रवाना हो जा रही है, सैकड़ों हजारों सरकारी बसों से लाद कर लोगों को लाया जा रहा है। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी की रैलियों में होता है, लेकिन यहाँ इनकी रैली में, चाहे बरनाला में हो या और भी जहाँ भी इन्होंने की हो या यहाँ हो, ये समझ सकते हैं कि किसानों के जत्थे आते हैं, उन्हें कोई सरकारी बस, सरकारी इंतजाम, दर्जनों मंत्री और 50 सांसद नहीं लाते। एक किसान नेता का अपना ये रसूख है जिसकी वजह से आते। और चूंकि आज आंदोलन समापन की तरफ है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ ताकि विश्व इतिहास में दर्ज हो रहे, हो चुके इस आंदोलन के हर किरदार को आप जानिए। अब जैसे डिसिप्लिन की बात इन्होंने की, 1 साल में मैंने कम से कम किसान के जो 7-8-10 नेता हैं उनसे 8-8-10-10 बार बात की है। यहाँ डिसिप्लिन क्या दिख रहा है नोटिस करिए, हमारे कैमरा सहयोगी भी करेंगे। मैं इनसे बीच में बात कर रहा हूँ, चारों तरफ लोग खड़े हैं, वो जहाँ हैं वहीं खड़े हैं। और मैंने जिनसे भी बात की, अगर उनसे बात कर रहा हूँ, 25 उनके ऊपर टूट पड़ रहे हैं और मुझे हटाना पड़ता है, थोड़ा हटिए, थोड़ा हटिए, थोड़ा जगह दीजिए। ये भी एक डिसिप्लिन है। एक आदमी भी कहीं से कहीं हिल नहीं रहा, चारों तरफ खड़ा है। तो ये डिसिप्लिन, ये कैसे आपने डिसिप्लिन सबको इतना ये किया, ये मुझे नहीं मिलता है। ये सच करो, किसी से इंटरव्यू करता हूँ 30 लोग होते, मुझे बार बार स्पेस बनाना पड़ता है। आप ये देखें भी, हमारी स्टेज यहाँ पर लगी हुई है, कितनी बड़ी स्टेज है, इसके सामने 2 जगह पड़ी हुई हैं, एक पास से महिलाएं बैठती हैं, एक पास से सिर्फ मीडिया खड़ा होता है स्टेज के सामने वाले में। आप आ जाएं, जितना आज दिन में आए आप, 3000-4000 का कट होगा हमारा दिन में, इधर होता है। आप आए, स्टेज खाली होगा, हमारा जे पंडाल खाली होगा, वो पंडाल खाली होगा, जहाँ पर ये लोगों का जगह है, इनको बोलें भाई ये इधर, और महिलाएँ बैठेंगी, इधर आपने बैठना है। महिलाओं की तरफ तब जाएंगे जब हम बोलें महिलाओं की तरफ कम हो गया, भाई इधर बैठ जो, नहीं तो नहीं बैठेंगे। ये लोग बहुत सयाने हैं, ये तो हमारे से भी ज़्यादा सयाने हैं। किसी ने इनको कभी बूझा ही नहीं, किसी ने इनको कभी पढ़ा ही नहीं, कि कभी किसी इनको समझाने का कभी ऐसे प्रयास ही नहीं किया। हमने इनको तजर्बे बताए हैं भाई साहब, हमने इनको बताए हैं तजर्बे कि आपका डिसिप्लिन में रहने से क्या हो जाता है। मैं वैसे ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार किसी बैंक के अंदर, नथाणा के अंदर बठिंडा में, हमने बैंक के कर्मचारी को घेरा हुआ था। बैंक के कर्मचारी को जब हमने घेर लिया तो रात को 10:30 बज गए, पुलिस ने चारों तरफ हमें घेरा डाल दिया। हाँ, पे हाँ। वो घेरा डाल कर वो लोगों ने क्या किया, गाँव के दरवाजे बंद करा दिए, गाँव को ये हो गया भी अभी लाठीचार्ज होने वाला है। हमने स्टेज से बोला देखिए भाई, ये लाठी चार्ज करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, हमारा मैनेजर अंदर बंद किया हुआ है बैंक के अंदर, अगर आप में से कोई डरता है वो चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, ये होने वाला है, लेकिन जब टक्कर हुई तब भागना नहीं। एक बात, दूसरी बात, इनके आपके चेहरे के ऊपर डर नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या, जितनी गिनती हमारी बैठी थी, थोड़ा गर्मी का समय था, ओहो बोल्ट मार रहे हैं उस पुलिस वाले ऐसे ड्रावे के लिए, जे अपने मुके लेकर परने लेकर हवा जाल रहे हैं, वो हैरान हो गए भी इनके चेहरे पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। ऐसा होना भी, रात को 11 बजे एडीसी को आकर विश्वास दबाना पड़ा कि आपके 6 बंदे जेल के अंदर बंद हैं, कल सवेरे 11 बजे छोड़ दिए जाएंगे, मैं आपको प्रोमिस करता हूँ आप हमारा मैनेजर को छोड़ दो। इनकी ऐसी जीत हुई है, इनको डिसिप्लिन बताया हुआ है, डिसिप्लिन से होता क्या है इनको बताया हुआ है, इनको पता है कि इस बात से, इस खड़ने से क्या हो जाएगा, हमारा साइलेंट रहने से क्या हो जाएगा, हमारा हंसने से क्या हो जाएगा, हम किस टाइम हंसें, हम किस टाइम गुस्से में हों, हम किस टाइम अटैक करें, हम किस टाइम शांति से बैठें, लड़ाई कैसी है, लड़ी कैसे जाएगी, ये सारा इनको पता है। क्योंकि हम 1 महीने में तकरीबन 1 बार इनकी क्लासेज लगाते हैं, इनको सिखाते हैं कि करना क्या पड़ेगा, आपको एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, किस किस चीज़ के ऊपर आपकी निगाह हो, आप पढ़ो, लिटरेचर देते हैं इनको, ये पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, दूसरे को समझते समझाते भी हैं, किसी की भी इंटरव्यू ले लो, आप आँख बंद करके हमारी स्टेज पर आकर सुन लें, हमारा बुलारा बोलता होगा तो पहचान लेंगे कि उग्राह जथेबंदी का बुलारा बोल रहा है।
हमारे लोग नीति पर बोलते हैं, घर की कहानियां नहीं चलाते हुए कि मेरा दारू का पैग पिया हुआ था, मेरे को औरत ने ऐसा बोला, मैं उसको ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलते। जब भी करेंगे बात, नीति के ऊपर बात करेंगे, पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, कभी निजी अटैक नहीं करते। ये हमारे ट्रेनिंग दी हुई है इनको, ये ऐसे नहीं भी ये है आज ही घर से आके डिसिप्लिन सीख गए। इनको देख कर जितने लोग आते हैं वो सीख जाते हैं। और इस स्टेज की, उग्रह साहब के स्टेज की खास बात और है कि हर जगह स्टेज पर नेताओं की भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि स्टेज पर 20 लोगों की बैठने की जगह है तो 50 लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं बैठने के लिए, कई बार स्टेज भी टूट जाता है। लेकिन यहाँ शायद नेता सब नीचे बैठते हैं, जब जितनी बार भी मैं आया जोगेंद्र सिंह उग्रह भी नीचे बैठे मिले, फर्क करना मुश्किल है कि इसमें कौन उग्रह है, कौन इनके कार्यकर्ता है, कौन क्या है, और मंच पर सिर्फ वक्ता होते हैं। ये भी एक स्टेज कतर, एक कला स्टेज का जो स्टेज चलाता है, हाँ स्टेज चलाता है वो होता है मत। तो ये खास बात है। अब जरा थोड़ा किसान आंदोलन पर लौटते हैं, चूंकि वक्त आपका भी काफ़ी लिया हमने। अब ये लड़ाई तो जीत गए, बड़ी लड़ाई, तीन कानूनों की वापसी, उसके बाद जो 5-6 मांगे थी जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई, उनमें से ज़्यादातर मांगों पर सहमति का रास्ता निकल गया। अब एक बात आती है MSP, MSP को कानूनी गारंटी की बात आप करते रहे, कानून बने MSP पर कहते रहे, अब एक कमेटी तो बनाने का भरोसा सरकार ने दे दिया, उस कमेटी में मोर्चे के लोग भी होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और होंगे, आपको लगता है उग्रह साहब के MSP को कानूनी गारंटी हासिल हो पाएगा? देखिए सर, कानून ये MSP का लड़ाई, पहले तो हम जो इशू के ऊपर बात करते हैं उसको देखें आप बड़ा कितना है। MSP की लड़ाई को हम कानूनों की लड़ाई से बड़ी लड़ाई मानते हैं। आज इसमें हासिल क्या हुआ है, MSP का हमने इशू 4th नंबर पर रखा हुआ था, आज हमने हासिल ये कर लिया कि MSP के ऊपर देश के अंदर चर्चा होगी, सारे देश के अंदर। यानी देश की चर्चा ने क्या फ़ायदा कर दिया, अभी यूरोपियन देशों में भी इसकी चर्चा चल पड़ी, ये चर्चा हमारी प्राप्ति है। अभी इसके ऊपर कमेटी बनी है, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि क्या कमेटी में क्या निकलेगा, क्या निकलना है, कुछ नहीं निकलना, क्योंकि मोदी साहब भी तो इस 2012-13 में शायद 11 में कमेटी बनी थी, उसमें मोदी साहब चेयरमैन थे, मोदी ने रिकमेंड किया था उसके। हाँ नहीं, वो कमेटी बन जाती है, उनके डिसीजन वैसे ही रह जाते हैं, कमेटी से कुछ निकलने का नहीं। ये तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का भी कमेटी में हम जाना चाहिए, उसके लिए हमें 3 महीने का समय मिल गया। वो 3 महीना में समय में MSP का ना कानून बने, ना MSP के लिए कोई खास बात ना हो, इतनी जरूर है कि MSP की बात थोड़ी आगे चल पड़ी। आगे चली हुई बात है, ये लड़ाई हम आज आपके चैनल के जरिए आपसे बताते हैं कि ये लड़ाई हमारी पेंडिंग है, ये हमें लड़नी पड़ेगी। अगर मुकम्मल जीत करनी है इसके ऊपर विशेष आंदोलन लड़ना पड़ेगा। मतलब हो सकता है एक बार और किसी बड़े आंदोलन का आगाज शोर है, अभी लड़ना ही पड़ेगा, आने ही पड़ेगा। 2024 में आ जाओ, 2022-23 में आ जाओ, कभी भी आ जाओ, एक आंदोलन। ये हमने सारे संयुक्त मोर्चा के साथियों को भी कहा हुआ है, हरियाणा वाले साथियों, यूपी वाले साथियों को भी कहा हुआ है। इसके लिए समझ लो कि आपको लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, और हम तैयार हैं, चाहे फिर से ऐसे ही 4-6 महीने बैठ, बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। तो ये आपने सुना जोगिंदर सिंह उग्रह को, और ये जो यहाँ चारों तरफ बस्ती बनी है, पकौड़ा चौक की जगह है, टिकरी बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर, और दिल्ली से अगर सेंट्रल दिल्ली से देखेंगे तो 30-35 किलोमीटर दूर, और यहाँ एक साल से ज़्यादा वक्त से, आज मैं जोड़ूँ तो 378 दिनों से ऐसे किसान तम्बू कनातों में रह रहे हैं। तो अब तो यहाँ से रवानगी 2 दिन बाद मान लो 10 और 11 को होगी, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इन एक साल में 2-4-10 दिन के लिए गए आए, फिर ये तो एक बड़ा एक घर वापसी का वो मूड कैसा होगा, क्या फील हो रहा है? आए आप, आपको दिखाएंगे, बंगड़ा भी खवाएंगे, लड्डू भी खवाएंगे आपको, खुशी का माहौल होगा। जीत कर जा रहे हैं भाई, जीत कर जा रहे हैं, इनकी उड़ीक कर रहे हैं पीछे सारे साथी सारे लोग, हमें पूछ रहे हैं अभी कौन से रास्ते से आएंगे। कल ही हरियाणा वाले साथी आए थे हांसी से, वो बोलते हैं अभी प्रधान जी हम आप चलने से पहले हमें फ़ोन करना। अभी तो ये हमारे आसपास के गाँव के साथी बोल रहे हैं भाई एक दिन का खाने का दावत हम देंगे आपको, आपके आदमी लेकर आना। इस चारों तरफ से दावतें आ रही हैं, रास्ते में रोकने वाले लंगर वाले आज 3-4 पार्टी आकर गई हैं, प्रधान जी एक बार 10 मिनट आ जाओ, 5 मिनट आ जाओ, आपका काफिला हमारे लंगर से जरूर कुछ ना कुछ खा कर जाए,
ऐसे संदेश आ रहे हैं और पंजाब वाले आ रहे हैं, भाई आप कब पहुंच रहे हैं, हम ढूंढ मक्के से आपका स्वागत करेंगे। ये जीत कर आए हैं, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी जो शक्ति, दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति कहलाने वाला एक ईगो का भरा हुआ आदमी, मगरूर आदमी को गोडी लगा कर जा रहे हैं, जीत कर रहे हैं, इनका स्वागत होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर सिंह उग्राहा और तमाम उन किसानों का जिन्होंने एक साल से ज़्यादा वक्त तक ये लड़ाई लड़ी, और मैं कहूँगा सड़क पर रह के लड़ाई लड़ी। और मगरूर शब्द का इस्तेमाल मैं बार बार अपने वीडियो में कर रहा हूँ, क्योंकि देश की ऐसी हुकूमत जिसके मुखिया को दम्भ है कि उन्होंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया, क्योंकि बहुमत उनके साथ है, क्योंकि 300 से ज़्यादा सीटें उनके पास है, लेकिन उस बहुमत वाली सरकार के महाबली मुखिया को उन किसानों ने झुकाया जिनके अस्तित्व को मुट्ठी भर मानकर ये सरकार बार बार खारिज करती रही। वो दिन भी जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया तब भी उन्होंने कहा कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, तो वो जो कुछ किसान थे उन्होंने सरकार को झुकाया। इसलिए जीत का वक्त है, जश्न का वक्त है, किसानों के की घर वापसी की तैयारी का वक्त है, और अब अगली लड़ाई जिसका जिक्र जोगिंदर सिंह उग्राहा कर रहे हैं, अगर MSP पर कानून नहीं बना तो। बहुत बहुत शुक्रिया उग्राहा साहब, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो एक साल से ज़्यादा वक्त तक यूँ सड़कों पर इस आंदोलन को धार देने में और आंदोलन को तेज करने में लगे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।